फ्रेंड्स, एवेस्कुलर नेक्रोसिस होने के कई कारण हो सकते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि यंगस्टर्स जो कि जिम जाते हैं अपनी बॉडी बिल्डिंग के लिए, वो अपने रिजल्ट्स को एनहेंस करने के लिए, यानी कि उनकी बॉडी जल्दी से बन जाए, इसके लिए किसी गलत गाइडेंस की वजह से स्टेरॉयड लेना शुरू कर देते हैं। और ये स्टेरॉयड्स आपकी बॉडी को बहुत नुकसान करते हैं। इससे आपकी हड्डी तो कमज़ोर होती ही है, इसके साथ साथ आपकी हिप जॉइंट के अंदर एवेस्कुलर नेक्रोसिस हो सकता है, और जिसकी वजह से आपका हिप का जॉइंट खराब हो सकता है। और कारणों में है जैसे कि एक्सेसिव शराब पीना, या आपको ये भी जान लेना चाहिए कि करीब 50% लोगों में एवेस्कुलर नेक्रोसिस बिना किसी कारण के भी हो सकता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपके हिप जॉइंट में पेन है और ये रेगुलरली आपको डिस्टर्ब करता है, खास तौर पे ये ध्यान दीजिए कि हिप जॉइंट का पेन आगे ग्रॉइन के एरिया में ज़्यादा होता है। अगर आपको इस जगह पे दर्द है तो तुरंत आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि अगर आप अर्ली स्टेज में अपने डॉक्टर से मिलते हैं तो आपके नेचुरल हिप जॉइंट को सेव किया जा सकता है। पर अगर आप इसको बहुत समय तक लोकल ट्रीटमेंट लेके या खुद से दर्द की दवाई खा के ट्रीट करते रहते हैं तो आप एडवांस स्टेज में अपने डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। तो फ्रेंड्स, अर्ली स्टेज क्या है और एडवांस स्टेज क्या है? अर्ली स्टेज का मतलब कि आपके हिप जॉइंट के अंदर एवेस्कुलर नेक्रोसिस की प्रक्रिया शुरू हुई है, लेकिन आपके बॉल यानी कि फीमर का जो हेड है उसकी शेप चेंज नहीं हुई है। अगर वो राउंड है तो ही हम कोर डीकम्प्रेशन का ऑपरेशन एडवाइस करते हैं और तभी उसमें सक्सेस मिलने का चांस होता है। लेकिन अगर आपके हेड की शेप चेंज हो चुकी है, यानी कि हेड अभी गोल नहीं है, वो फ्लैट हो गया है, तो कोर डीकम्प्रेशन के ऑपरेशन से कोई फायदा नहीं मिलता। इसको मेडिकल भाषा में हम कहते हैं कि अगर आपकी AVN के अंदर स्टेज 1 या स्टेज 2 है तो कोर डीकम्प्रेशन से फायदा मिल सकता है, लेकिन अगर स्टेज 3 या स्टेज 4 है तो डेफिनेटली कोर डीकम्प्रेशन से फायदा नहीं मिलता है। कोर डीकम्प्रेशन के ऑपरेशन में फीमर का जो हिस्सा डेड हो चुका है उस हिस्से को ड्रिल करके बाहर निकाल दिया जाता है, उस बोन को जो कि डेड हो चुकी है उसको ड्रिल करके बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस अंडरस्टैंडिंग के साथ आइए आपको बताते हैं कि किस पेशेंट को कोर डीकम्प्रेशन से या ड्रिलिंग के ऑपरेशन से फायदा होने का चांस होता है। हर वो पेशेंट जिसके अंदर हम AVN सस्पेक्ट करते हैं उसको हम MRI के लिए भेजते हैं। MRI मतलब मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसका मतलब है कि हमें डिटेल्ड पिक्चर मिलती है कि आपके हिप जॉइंट की बॉल के अंदर क्या चल रहा है। हमारे साइंटिफिक लिटरेचर के हिसाब से कोर डीकम्प्रेशन का ऑपरेशन 50-90% लोगों के अंदर कामयाब होता है, और ये डिपेंड करता है कि आपके फीमर हेड के अंदर कितना एरिया एवेस्कुलर नेक्रोसिस के वजह से खराब हो चुका है, यानी कि डेड हो चुका है। फ्रेंड्स, दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो डेड एरिया है, अगर ये फीमर के ऐसे हिस्से में है जहां पे शरीर का वजन इतना नहीं पड़ता, तब भी इसके ठीक होने के चांस ज्यादा होते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली काफी पेशेंट जो हमारे पास आते हैं उसमें एवेस्कुलर नेक्रोसिस का डेड एरिया हमारे शरीर के वजन पड़ने वाली जगह पे होता है। तो आप समझिए कि जो हिस्सा डेड है, कमजोर है, अगर उसके ऊपर वजन पड़ जाएगा तो वो दब जाएगा, और दब जाएगा तो हेड फ्लैट हो जाएगा, यानी कि आप स्टेज 3 में आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपके लिए समझना बहुत जरूरी है कि आपको बिना डॉक्टर के सलाह के कोई भी दवाई नहीं लेनी है। नंबर 2, अगर आपके हिप जॉइंट में दर्द है जो कि मेनली ग्रॉइन एरिया के अंदर है तो आपको तुरंत जाके डॉक्टर से मिलना है। नंबर 3, अगर आपके MRI के अंदर एवेस्कुलर नेक्रोसिस कंफर्म होता है और वो स्टेज 1 या स्टेज 2 में है, तभी आपको कोर डीकम्प्रेशन के ऑपरेशन का डिसीजन लेना चाहिए। नंबर 4, अगर आपका AVN स्टेज 3 या स्टेज 4 के एरिया में है तो डेफिनेटली कोर डीकम्प्रेशन से कामयाबी मिलने का चांस ना के बराबर है। तो हम अपने पेशेंट्स को जो स्टेज 3 या स्टेज 4 में आते हैं उनको कोर डीकम्प्रेशन की सलाह नहीं देते हैं। दोस्तों, स्टेज 1 में और स्टेज 2 के अंदर कोर डीकम्प्रेशन के अलावा हम कुछ ऐसी दवाइयाँ भी देते हैं जिससे कि हमारी हड्डी स्ट्रांग होती है और हमारे शरीर के अंदर जो कोर ड्रिलिंग करने की वजह से खून का दौरा बना है वहाँ पर जो नई हड्डी बन रही है वो हड्डी स्ट्रांग हो सके और हेड दोबारा से कोलैप्स ना हो, हेड फ्लैट ना हो। दोस्तों, कोर ड्रिलिंग का या डीकम्प्रेशन का ऑपरेशन खराब नहीं है, पर इसकी इंडिकेशंस यानी कि किन पेशेंट्स को ये ऑफर किया जा सकता है वो बहुत लिमिटेड हैं, बहुत सेलेक्टेड हैं, यानी कि बहुत ही कम पेशेंट्स को इस ऑपरेशन को ऑफर किया जा सकता है। और हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि 50-90% मरीज इससे शायद लाभ उठा सकेंगे। लेकिन अगर आपका फीमर का हेड इतना खराब हो चुका है कि वो एक्सरे में ही फ्लैट दिखता है
या MRI के अंदर बहुत एडवांस स्टेज में है, तो फ्रेंड्स कोर ड्रिलिंग करने का फायदा होने का चांस बहुत कम है और हम ऐसे पेशेंट्स में कोर डीकम्प्रेशन एडवाइस नहीं करते।